लंगाड़ो के साथ गाजे बाजे से चीफ के सौ खिलाड़ियों का उत्साह उतर किया जा रहा है। इस समय एक बड़ा मैच होने जा रहा है, आपको बता दे। जाओ ना, जब बता दियो। चांग और शेज पानी के बीच मुकाबला कहना चाहिए कि लीग का ये प्रतियोगिता का कुल तीसरा मैच होगा। एक यादगार कल की समय दोनों टीमों के बीच। लीजिए शुरू होता हुआ मुकाबला इसी के साथ। सर्कल कबड्डी हरियाणा प्रतियोगिता का ये तीसरा मैच है इस समय। और ये देखिए यहाँ पे एक आज करने की कोशिश, जबरदस्त प्रयास, लेकिन बाज नहीं आए और पहुंच गए लक्ष्य तक। खाता खोलता हुआ इस समय सिंह पानीपत, और अब सांक भिवानी की तरफ से पहला रेड। इसमें आपको बता दें कि तीन ऐसे स्टार हैं जिसमें कर्षण मलिक जो कि सफेद घोड़ा जीत चुके हैं बेहतरीन रेडर के रूप में, इस समय आगे बढ़ते हुए ये हैं कर्षण मलिक जो कि सफेद घोड़ा इन्होंने जीता था। आपको बता दें बेहतरीन रेडर अपने आप को पेश किया था। इस समय आगे बढ़ते हुए कर्षण मलिक दाव में कैच करने का प्रयास और कैचर को पटक कर इस समय ये देखिए धक्का देकर लक्ष्य तक पहुंच गए कर्षण मलिक। चांद दीवानी की ओर से विकास चकमा देने की कोशिश, और यहां पे चकमा देते हुए चांद लीजिए भारी भरकम शरीर वजन का फायदा उठाना चाहेंगे। और यहाँ पे ये देखिए क्या खूबसूरत तरीके से शिकंजे में जकड़ा है, अब छोड़ने वाले नहीं। ये देखिए गिरते हुए पॉइंट अर्जित किया फिर से चाक बिहानी की ओर से। सतवीर देखते हैं कितने सत्य के वीर हैं। और यहाँ पे कैच करने का प्रयास और तेजी से आगे बढ़ते हुए जबरदस्त जोश में सांग पिवानी वर्सेज सिंह पानीपत के बीच जबरदस्त टक्कर। इस समय प्रतियोगिता का तीसरा मैच, विजेता टीम के लिए 3 लाख रुपए, उपविजेता के लिए 2 लाख, और तीसरे नंबर पे रहने वाली टीम को 1 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। एक अंक यहाँ भी अर्जित कर लिया। फिर से आगे बढ़ता हुआ मुकाबला, चकमा दिया है खूबसूरती से दर्शकों में उत्साह इस समय मुजाहिरा देखकर। रोमांचक सर्कल कबड्डी भिवानी हरियाणा, और यहाँ पे देखिए दाव पेच लगाकर थामले की जबरदस्त कोशिश, आसान नहीं होगा यहाँ से छुड़ाकर लक्ष्य तक जाना। खूबसूरत संघर्ष यहाँ पे छुड़ाने की कोशिश, और फिर से कैच किया है, अब बाहर जाना होगा। जी हाँ, फिर से रेड पे चांद बिहानी, और यहाँ पे ये बेस्ट राइडर माने जाते हैं शौक, और पुश करते हैं बाहर तक खेल दिया। लीजिए कर्षण सफेद घोड़ा विजेता बेहतरीन राइडर, और ये देखिए बचाओ, सुंदर बचाओ, पैरों पे कैच करने की कोशिश की तो पहुंच गए वापस एक अंक के साथ। जबरदस्त रेडर हैं कर्षण मलिक, सफेद घोड़ा जीत चुके हैं, लेकिन इस बार देखिए रेड लेके आगे बढ़ते हुए
साहक बिहानी की ओर से शेख बिहानी और जॉनी सबसे बेहतरीन कैचर है इस टीम में और यहां पे जॉनी को चकमा दिया हर एक अंक के साथ। खूबसूरत नजारा भिवानी जिला हमारा। पांच और सात यानी सांग के पास इस समय बढ़त है सिंह के सामने, जबकि मैच से पहले सिंह की दावेदारी ज्यादा मजबूत मानी जा रही थी। यहां देखिए जबरदस्त तरीके से कैच किया है लेकिन आखिर छुड़ाने में कामयाब। जबरदस्त रोल इस समय सर्कल कबड्डी हरियाणा खेलों के लिए प्रदेश देश पूरे विश्व भर में एक अलग पहचान इस जिले और प्रदेश के पॉइंट के साथ वापस लीजिए। सिंह की तरफ से अब रेड लेकर आगे बढ़ते हुए दर्शकों की तादाद लगातार इजाफा करते हुए, पहला ही दिन है कल देखना ना भूलें, जबरदस्त मुकाबले होंगे और यहाँ पे पुश किया है बढ़ चले कदम रेड की ओर। चाक बिहाने क्या बात है, उपहार एक से बढ़कर एक यहाँ पे कैच किया है। यदि चाक बिहाने की टीम जीती है तो एक देसी घी का टिप्पा दिया जाएगा टीम को। यहाँ कैच करते पॉइंटर जीत किया है सीख ने, सफेद घोड़ा विजेता जबरदस्त राइडर चकमा देने के लिए फिर से मोर्चे पे। और ये देखिए एक बार फिर से सुंदर बचाओ और उसी के चलते एक आसान अंक अर्जित करता हुआ सिंह पानीपत। भिवानी के अध्याय में, भिवानी के इतिहास में एक नया अध्याय, सबसे बड़ी कबड्डी प्रतियोगिता। लीजिए जोश और जज्बे के साथ इस समय थोड़ा एंगल बदलते हुए खिलाड़ी, बहुत खूबसूरत नजारा इस समय यहाँ पे कैच कर लिए गए एक पॉइंट चांग के चंगुल में। मोर्चे पे और चकमा देते हुए यहाँ पे जबरदस्त जोगी जोनी को चकमा दिया है। वाह, एक अंक के साथ जो सबसे बेहतरीन कैचर थे जोनी, उन्हें चकमा देते हुए वापस लौटे थे, इसलिए दर्शक अपने आप को नहीं रोक पाए उत्साह बढ़ाने में खिलाड़ियों का। भिवानी की सरजमी पे विशाल प्रतियोगिता, तीसरा मैच एक अंक के साथ बल्ले बल्ले सिंह चले हैं। वाह, जज्बा चाहिए, उत्साह चाहिए, एकाग्रता चाहिए, माइंड गेम कितना बेहतर इस्तेमाल करते हैं आप, ये देखने वाली बात। और यहाँ पे देखिए जोनी को फिर से चकमा देते हुए, क्या यहाँ फिर से मात दे पाएंगे, सबसे बेहतरीन कैचर है और यहाँ कैच कर लिए गए पॉइंट गंवाता हुआ इस समय चाक बिहानी। लेकिन अब सफेद घोड़ा चैंपियन बेहतरीन रेडर इस समय बढ़ चुके हैं कृष्ण मलिक। शानदार बांध के समय और पांव पकड़ने की कोशिश, लेकिन घोड़े की तरह छुड़ाते हुए पहुंच गए। ये तो सफेद घोड़े के दीदार बन चुके हैं, लेकिन इस छोर पे देखिए रेड लेकर साथ पिहानी सिंह पानीपत के सामने जबरदस्त संघर्ष, पकड़ नहीं पाए इस बार फिर से पॉइंट के साथ।
और यहाँ पे ये देखे पटक कर धक्का दिया मगर पांव थाम लिया है। अब मुश्किल में होंगे, आसान नहीं यहाँ से 30 सेकंड में वापस आना। पैच खोल लिए गए हैं लेकिन दूसरा पांव थाम लिया, बाहर जाना होगा निराशा लगते हुए। जबरदस्त सर्कल कबड्डी, ये ले लिया, वाह, तो डाल डाल में पान पान एक अंक के साथ। खेलो खेल, जीतो बाजी, हारो तो भी रहो राजे। फिर से रेड लेकर सिंह पानीपत, 13-13 से तुलावा मैच तराजू की तरह। तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम, आधा आधा बंटवारा होता जब 500-500 ग्राम। फिलहाल तो यहाँ 500-500 या लंक एक अंक अर्जित किया है सिंह पानीपत ने। मामूली बढ़त लेकिन कुछ कहना, जल्दबाजी यहाँ पे फिर से नियंत्रण खोते हुए। कर्शन मलिक फिर से इनके ऊपर दारोमदार रहेगा सिंह पानीपत का। सर्कल कबड्डी है ये, इसलिए एक अंक फिर से अर्जित किया है। सफेद घोड़ा जीत चुके हैं ये, जबरदस्त राइडर साबित करते हुए अपने आप को। इसके अलावा कई प्रतियोगिता में इन्होंने बेस्ट राइडर के खिताब पाए हैं, यहाँ भी अंक अर्जित किया। फिर से उड़ान भरते हुए रेफरी को भी बराबर मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि सर्कल कबड्डी है, इसलिए अंपायर को भी गाइडेंस का ध्यान रखना पड़ता है, उसी का रूल फॉलो करते हुए इसी बीच एक अंक। चलिए समय की निगरानी में रेफरी जो टाइमर के रूप में और अनुशासन में खेला जा रहा है ये विशाल कबड्डी प्रतियोगिता। आपको बता दें हर्षदीप जी डुडेजा जो कि जिलाध्यक्ष है। हाफ टाइम हो चुका है, दूसरे हाफ का खेल शुरू होता हुआ एक बार फिर स्कोर लेवल है 16-16 बराबरी पे, यानी दोनों ही टीमें जबरदस्त है। हारना किसे पसंद है, यहाँ पे कैच करते हुए जोन नहीं छोड़ने वाले नहीं, भारी भरकम शरीर विशाल काय का फायदा उठाते हुए जोनी और अशोक। लेकिन इसी बीच परिवर्तन के तौर पे आगे बढ़ते हुए काफी नजदीक है रेखा के, चकमा देते हुए इस समय। अब मुश्किल है बाज आना, पहुंच जाएंगे लक्ष्य तक। जी हाँ, हाइट का फायदा उठाते हुए भिवानी की सरजमी पे सबसे बड़ी कबड्डी प्रतियोगिता इस मेला खेल मैदान में कैच कर लिया गया। इसी के साथ कर्शन मलिक सिंह पानीपत से बढ़ चले कदम। बढ़त इस समय मामूली सिंह पानीपत के पास, और ये देखिए सुंदर बचाव एक बार फिर, यही ताकत है इनकी, इसीलिए ये सफेद घोड़ा जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं अब रेड के ऊपर सारे मैच होने के बाद ताई आज डालेंगे ताकि वो अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर लें। मैच होगा फिर तो सकमा देते हुए सभी विजेता टीमों का एक एक खिलाड़ी, सुंदर प्रदर्शन यहाँ पे ढेर हो गए। हाँ बिल्कुल भाई, अशोक रेड के ऊपर पीछे बढ़ते हुए बेहतरीन रेड का मुजाहरा पेश किया अभी तक इसे मैच में। कैच किया है तेजी से, जोश और जज्बे के साथ दोनों ही टीमें इस समय भिवानी की पावन पवित्र धरा पे कैच किया है। इस छोर पे भी तेजी से आगे बढ़ते ताकि समय जाए ना हो।
दर्शकों की संख्या आप देख सकते हैं लगातार बढ़ती हुई, शाम ढलते हुई पहला ही दिन है और यहाँ पे पटकने की कोशिश उठा लिया है लेकिन पहुँच गए। जी हाँ, अच्छा कार्य किया, शानदार विशाल कबड्डी प्रतियोगिता। राहुल जी मुंडवाल जो कि जिला परिषद सदस्य हैं, वहीं हर्षदीप जी डुडेजा, उनके सौजन्य से ही ऐसी प्रतियोगिताएं संभव जिले में ढोल लंगाड़ों के साथ गाजे बाजे की सौगात जोश और जज्बा उत्साहवर्धन करते हुए। लेकिन ये कर्षण मलिक बाज नहीं आते, सफेद घोड़ा जीत चुके हैं, तुझे तो समझे ही क्या, एक और पॉइंट के साथ। विकी चले दूसरे, आपका खेल चल रहा है इस समय, सीख और कैच किया है, अब यहाँ पॉइंट गवाना पड़ेगा। जी हाँ, फिर से वही राइडर जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं, रेफरी को भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और यहाँ पे बचाव किया, पैर पकड़ने की कोशिश, फ्लड लाइट ऑन जरूर किए गए हैं लेकिन यहाँ पे रेडर की बत्ती गुल, बाहर जाना होगा। ये खेल की नज़ाकत है, सर्कल कबड्डी हरियाणा जिला भिवानी, विशाल प्रतियोगिता है, कुल मिलाकर 9 लाख के इनाम, लेकिन यहाँ पे एक अंक के साथ कम बैक रेड लेकर आगे बढ़ते हैं मोर्चे पर। और यहाँ पे पॉइंट इसी के साथ है सिंह के खाते में, सिंह का पलड़ा थोड़ा सा भारी समय, देखते हैं जीत का सिलसिला है किसका। दर्शकों की संख्या एक, ओह वाह, कमाल का पॉइंट अर्जित किया, 500 रुपये लीजिए। जी हाँ, 100 रुपये के साथ उत्साहवर्धन किया है और यहाँ पे चकमा दिया, ईट का जवाब पत्थर से, तुझको क्या पता पॉइंट कैसे अर्जित किया जाता है। चकमा देने से पहले लालच दिया जाता है, फिर कदम बढ़ाए जाते हैं। कबड्डी देखने वालों, इस चैनल पे अच्छी कमेंट्री के साथ मैच दिखाए जाते, लीजिए फ्लड लाइट ऑन कर दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की दुविधा ना हो। एक पॉइंट फिर से गंवाता हुआ इस समय सांग भिवानी, और इस रेड के ऊपर 200 रुपये बोले गए हैं। चकमा दिया है, शानदार रेड, प्यास बुझाई जाए कुछ, काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ साथ है रेफरी। दर्शकों का शोर शराबा, आनंद लेते हुए इसमें सर्कल कबड्डी भिवानी हरियाणा, रफ्तार फिर से चले हैं, पलड़ा थोड़ा सा इस समय सीख पानीपत का थोड़ा सा मजबूत नज़र आ रहा है, शुरुआत जरूर अच्छी चाक बिहाने की थी लेकिन यहाँ पे चकमा दिया है, कमाल का, वाह, देखने वालों का दिल जीत लिया, 100 रुपये के साथ हौसला बढ़ाया, भारी भरकम शरीर। चांग सिंह के बीच ये कड़ी टक्कर, यहाँ बचाव करने में कामयाब, इसलिए पकड़ में नहीं आए। सर्कल कबड्डी हरियाणा
देखिए भाई विकी फिर रेड में है भाई विकी सी सर बोला धोनी के काम का खिलाड़ी है तो भी छूट में साइन कर विकी विकी का बहुत अच्छा गया फिर से मोर्चे पे वाह पकड़ मजबूत है लेकिन उतना ही बेहतरीन प्रयास छुड़ाने का और यहां तक मा दिया वाह सांग बिहानी वर्षे सिंह है पानीपत जबरदस्त टक्कर जीत किसकी होगी कहना मुश्किल समय से पहले यहां पे कैच करने का प्रयास लेकिन सुंदर बचाव पैरों का पीछे की तरफ है लगता है आसान नहीं होगा लेकिन हाथ मजबूती से थाम लिया है घिसटते हुए इस समय जमीन से चिपकने की कोशिश ये देखिए जेसीबी की तरह चकदे फटे और सीटी बच गई वाह शानदार पॉइंट अर्जित किया क्योंकि समय समाप्त क्या खूबसूरती है जमीन से चिपकने की भी पूरी कोशिश की थी इसलिए समय रहते लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए और यहां पे पॉइंट एक अंक एक बार फिर से चकमा दिया है पकड़ने का प्रयास मगर नाकामयाब इसी के साथ समय खेल लीजिए इसी के साथ ये मुकाबला सिंह पानीपत ने 36 अंक अर्जित किए 34 के मुकाबले 2 अंकों से जीत दर्ज की है बहुत ही शानदार खेल दिखाया और शानदार शुरुआत की है इस टूर्नामेंट की जैसे ही अगला मैच शुरू होगा मैं वापिस हाजिर रहूँगा तब तक के लिए शुक्रिया।